start. Class 6 Indian Chemistry. आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 विद ऑक्सीजन. पीरियड 3 के एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे क्या बनता है. सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इससे बनता है सोडियम ऑक्साइड. यह होता है सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड. जब हमारे पास क्या होगा लिमिटिंग सप्लाई होगा ऑक्सीजन की तो इससे बनेगा सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड. जब एक्सेस सप्लाई होगा ऑक्सीजन की तो इससे बन जाएगा सोडियम परऑक्साइड. ऐसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इससे बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. सल्फर सिलिकॉन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इससे बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड. फास्फोरस ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो इससे बनते हैं दो किस्म के ऑक्साइड. एक होता है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और एक होता है फास्फोरस पेंटऑक्साइड. सल्फर जो है वो जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो इससे बनता है सल्फर डाइऑक्साइड. इसके अलावा हम जब पढ़ेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन. सोडियम जो है जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे बनता है सोडियम क्लोराइड. एक शुद्ध बैलेंस के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2. मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड. सिलिकॉन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे बनता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड. फास्फोरस जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे बनता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड. और फास्फोरस जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे बनता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. इसके अलावा सल्फर जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे बनता है डाई सल्फर डाइक्लोराइड. जो है ये एक कंपाउंड इसके साथ बनता है.